अमदावाद शहर में निकलनारी भगवान जगन्नाथ जी की 146मी रथयात्रा ने गणतरी दिवसों बाकी रहा है तरह सुरक्षा की दृष्टि पुलिस तमाम तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस आज संवेदनशील गणाता एवं शाहपुर विस्तार में फूड पेट्रोलिंग करूत। उच्च पुलिस अधिकारी सहित 280 जेटला पुलिस कर्मचारी फूड पेट्रोलिंग में जोड़ाया था। भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथयात्रा निमित्ते 4 जूने जड़यात्रा योजाशे त्यारे अषाढ़ी बीजे राज्यभर महत्व उत्सव एटले भगवान जगन्नाथ जी की रथयात्रा। अमदावाद शहर में आगामी अषाढ़ी बीजे रथयात्रा निकलवानी छे त्यारे रथयात्रा ने लईने मंदिर में तड़ामार तैयारी शुरू कर देवामां आवी छे। जड़यात्रा की आमंत्रण पत्रिका छपाई चूकी है और वितरण पण थई रह्युं छे। खास करीने जड़यात्रा में आ वर्षे भरत भरेली छत्रीवाड़ा डांस ग्रुप परफॉर्म करशे। जड़यात्रा मुख्य अतिथि अमदावाद शिवानंद आश्रम स्वामी परमात्मानंद सरस्वती महाराज हाजर रहें। जड़यात्रा में जगन्नाथ मंदिर की शोभायात्रा रूपी साबरमती सोमनाथ भूदर ने आरे गंगा पूजन कर 108 कड़श में जल भरी मंदिर लाई भगवान अभिषेक कर भगवान जगन्नाथ जी की रथयात्रा ने लई अमदावाद शहर में 146मी रथयात्रा ने लई सेक्टर 1 जेसीबी नीरज बड़ गुज्जर साहेब ने संवेदन विस्तार में फूड पेट्रोलिंग कर 146मी रथयात्रा ने लई दरियापुर शाहपुर नागोरीवाड़ घीकांटा विस्तार में 273 वधु पुलिसकर्मी साथ फूड पेट्रोलिंग कर सेक्टर 1 जेसीपी नीरजबड़ गुज्जर साहेब ने दरियापुर पीआई शाहपुर पीआई माधोपुरा पीआई ने सर्विलेंस कोड साथ लईने फूड पेट्रोलिंग कर शाहपुर विस्तार में रथयात्रा रूट पर फूड पेट्रोलिंग कर दर वर्षनी जेम आ वर्षे पण सेक्टर 1 जेसीपी नीरजबड़ गुज्जर द्वारा फूड पेट्रोलिंग कर 200 वधु पुलिसकर्मी ने साथ लईने विस्तार निरीक्षण कर ड्रोन केमरा द्वारा रथयात्रा रूट पर ड्रोन केमरा द्वारा कवर कर संवेदनशील विस्तार है फूड पेट्रोलिंग एरिया डोमिनेशन की कामगिरी अत्यारे करवामां आवी रही है। अपने आ फूड पेट्रोलिंग में पुलिस अधिकारी कर्मचारी मळीने 280 थी वधारे पुलिस स्टाफ जोड़ाया छे અને તમામ જે જગ્યાઓ એમાં ફૂડ પેટ્રોલિંગથી કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે અને હાલ જે છે સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં ફૂડ પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવી છે અને કેટલા જવાનો મોજૂદ હતા ક્યાં ક્યાં રૂટ હતા આપણે પોલીસ સ્ટાફ જે છે એ પોલીસ અધિકારીઓ સાથે મળીને 280થી વધારે સ્ટાફ છે અને સંવેદનશીલ વિસ્તાર છે એમાં તમામ જે જગ્યાઓ છે એની વિઝિટ લેવામાં આવી રહી છે અને જે આગેવાનો છે એની સાથે પણ મીટિંગ કરવામાં આવી રહી છે। હાલ જે છે રથયાત્રાને લઈને ખાસ અમદાવાદ પોલીસે શું તૈયારી કરી છે અને કયા પ્રકારની તૈયારી કરી છે? આપણે જે રથયાત્રા જે છે એના તૈયારીમાં જે ગઈ રથયાત્રાના જે ફીડબેક છે એના ઉપર કામગીરી અત્યારે કરવામાં આવી રહી છે। અસામાજિક તત્વો છે એના અટકાયતી પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે અને સતત કોમ્બિંગની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે જેથી રથયાત્રા શાંતિપૂર્ણ પૂર્ણ થાય। સચિન પઢિયાર, લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ, અમદાવાદ।